धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इनेलो का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका श्रेय इनेलो महिला जिलाध्यक्षा तनुजा को जाता है, जिनके नेतृत्व में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में लोग बढ़ चढ़कर इनेलो की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हालात ये है कि इनेलो महिला जिलाध्यक्षा तनुजा अपनी पूरी टीम के साथ प्रतिदिन थानेसर हलके के अलग अलग गाँव में जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रही है, मीटिंगें आयोजित कर रही है और इन जनसभाओं और मीटिंगों में जननायक ताऊ देवीलाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इनेलो पार्टी द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, जिसका नतीजा ये है कि जहां थानेसर हलके में इनेलो का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वहीं दिन प्रतिदिन थानेसर हलके के असंख्य लोग इनेलो पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। बीते दिन गांव आलमपुर और गांव चंद्रमानपुरा में भी इनेलो नेत्री तनुजा के नेतृत्व में जनसभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें काफी संख्या में लोगों ने इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया। महिला अध्यक्षा तनुजा ने कहा कि वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव में इनेलो प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। इस मौके पर उनके साथ इनेलो नेता धर्मवीर कश्यप, सुनहरा कश्यप ने भी लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ अभी बाजवा, रघुवीर, नेहा, कृष्णा, रघुवीर पाल, विष्णु, राजकुमार, गुरदीप बाजवा, कृष्ण, नेहा सहित काफी संख्या में इनेलो कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हम क्या बताना चाहेंगे, आज आलमपुर में फिर मीटिंग रखी गई और देखा जाता है काफी बढ़ चढ़ की संख्या में लेडीज ज्यादा आगे आ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैडम जी? आज सबसे पहले तो देखिए जो सबसे ज्यादा खुशी की बात है जी, आज महिला होने के नाते महिला शक्ति जो हमारी गांव-गांव की शहर की बहुत मजबूत हो गई है। महिलाओं ने आज ये ठान लिया है कि 2024 इंटरनेशनल लोकतंत्र का होगा जी, और मुझे ये पूरे विश्वास से कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आने वाला 2024 हम इंडियन नेशनल लोकतंत्र का बना के रहेंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री कर कुर्सी पर बिठा कर ही दम लेंगे। तनुजा मैडम, तनुजा मैडम, लोकल पार्टी जिंदाबाद। मैम जी क्या बताना चाहेंगे, आज चंद्रभानपुर में मीटिंग रखी गई है और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए सबसे पहले तो जो सरकार की जो गलत नीतियों के कारण आज आम वर्ग जो है बहुत ज्यादा परेशान है सरकार से, और लोग चाहते हैं कि आने वाले 2024 में उन्हें एक ऐसी सरकार मिले जो कम से कम आम जनता की आवाज को उठाने में सक्षम हो। और आज लोग ये मानते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एकमात्र ऐसे विधायक है जो अपनी जनता के हकों की बात करते हैं, विधानसभा में जनता के हकों की आवाज उठाने वाला केवल एकमात्र विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। और लोग आज चाहते हैं कि हरियाणा की जो सत्ता है चौधरी अभय सिंह चौटाला के हाथों में सौंपी जाए और आने वाले 2024 में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। तो मैडम जी चंद्रभानपुर अशोक अरोड़ा का गढ़ रहा है, आज आपने अशोक अरोड़ा का गढ़ भी तोड़ दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अशोक अरोड़ा जी का गढ़ ये बहुत टाइम पहले था जब अशोक अरोड़ा जी इनेलो में थे और इनेलो लोगों को बनाने का काम करती है, इनेलो लोगों के हकों की लड़ाई को लड़ती है जी। लोग अशोक अरोड़ा जी से इनेलो से जुड़े हुए थे और लोग ये मानते हैं कि इनेलो से अशोक अरोड़ा जी थे जी। अशोक अरोड़ा जी से इनेलो नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद।